सर्कस मूवी आ चुकी है एंड क्या ये मूवी अपने ट्रेलर की ही तरह थी। सो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई बात करें सर्कस मूवी की, तो सर्कस मूवी देखने के लिए मैं सुबह सुबह ठंड में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया कि क्या ये ट्रेलर की तरह होगी एंड और भी बहुत सारे रिव्यूअर इसको क्या रिव्यू करेंगे। सो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ ये पिक्चर बिल्कुल भी देखने लायक है ही नहीं। हाँ वैसे बोलो अगर आप इसे अपनी फैमिली के साथ देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन भाई पता नहीं क्यों यार पर्सनली रोहित शेट्टी के लेवल की ये मूवी लगी नहीं रही थी। अगर इसकी बात करें कॉमेडी की, पर्सनली जिस तरह से फिल्म जिस तरह से प्रमोट की जाती कॉमेडी जोनर के ऊपर ये मूवी प्रमोट की जा रही थी एंड रोहित शेट्टी की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। आप रिसेंट टाइम का एग्जाम्पल लोगे तो गोलमाल मूवीज की सीरीज को देख सकते देखो। इस मूवी में टोटली जितने भी कॉमिक सीन है कॉमेडी डायलॉग्स है सब के सब ऐसे लगेंगे कि सारे एक्टर्स को जबरदस्ती बोलने के लिए कहे गए हैं या उन पे जबरदस्ती थोपे जा रही है, जबरदस्ती वो फिल्म में डाले जा रहे हैं। एंड बात करें रणवीर सिंह की तो भाई उन्होंने भी लगता है ये मूवी ऐसी टाइम पास में कर दी, ना उन्होंने कुछ एक्टिंग पे ध्यान दिया एंड ना उन्होंने कुछ कॉमिक अपने जो डायलॉग बोलने के रहते कॉमिक डायलॉग उन पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ भाई लिटरली रणवीर सिंह इस मूवी में एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहे हैं। एंड हाँ थोड़ा सा एक्टिंग की बात करें तो इसमें जैकलीन अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन बात करें पूजा हेगड़े की जो कि साउथ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नॉर्थ में उनकी इतनी मूवीज नहीं है लेकिन भाई साउथ में जाकर के देखो उनकी बहुत सारी मूवीज है, सबकी सब फेमस है, लेकिन इस मूवी में उनका भी कुछ पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी उनका यूज नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आई सीन दिया चली गई, अच्छा है बुरा है फर्क नहीं पड़ता दिखा दो। एंड अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी है दो बच्चे हैं, अनाथ आश्रम से स्टोरी चालू हो रही है, दो बच्चे हैं दोनों जुड़वा है, उनको अनाथ आश्रम में कोई छोड़ गया एंड दोनों को अलग अलग फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। अब एक चला जाता है सर्कस में एंड दूसरा अच्छे परिवार में चला जाता है एंड सर्कस वाले को क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को छूता है तो उसको करंट लगता है एंड सेम चीज़ यही दूसरे वाले के साथ भी है। एंड भाई अगर आप लोग देखो भी ओवरऑल तो ये मूवीज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारी मूवीज़ कॉपी कर रखी है। अगर सेम स्टोरी टाइप की मूवी अगर बात करूं जैसे मैं स्टोरी बता रहा हूं तो जुड़वा 2 एंड जुड़वा दोनों की दोनों इसी टाइप की हैं। एंड भाई ओवरऑल अगर बताऊं मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अपने ट्रेलर की तरह। भाई बस आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।